ठीक ही तो कह रहा है सूरज। सपना चाहे नया धंधा शुरू करने का हो या अलग पहचान बनाने का, शादी के बाद भी पूरा हो ही सकता है। आज नहीं तो कल समाज में सवाल उठेंगे, सगाई के इतने समय के बाद शादी क्यों नहीं हो रही, तो जवाब तो देना पड़ेगा कि नहीं। सात फेरों के पहले एक छत के नीचे अगर लड़का लड़की रहे हैं तो अच्छा नहीं होता ये। और फिर अंबिका वहू ने भी जो कुछ किया था शादी के बाद ही किया था। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सूरज को और अच्छी तरह से जान पाओगी और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तुम्हें समय की भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन बा, शादी के बाद एक लड़की की जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं और फिर उस पर एक नया धंधा जमाना, उसकी चुनौती, वो भी शामिल हो जाए तो फिर शादी के तुरंत बाद एक साथ ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बढ़ी हुई जिम्मेदारियों पर खरा न उतर पाने की हताशा ने कहीं इन दोनों के रिश्ते में खटास पैदा कर दी, तब क्या होगा? केसर तुम्हारे जैसी नहीं है हेतल भोग। चुनौतियों की नाव, जिंदगी की पतवार कैसे चलाना, ये इसने अंबिका वहू से सीखा है। केसर सब संभाल लेगी। नया धंधा जमाना इतना आसान नहीं होता केसर, वो समय भी मांगता है और समर्पण भी। साथ रहने से बड़ी मुश्किलें अपने आप हल हो जाती है केसर, और साथ ना रहने से छोटी बातें भी कांटों की तरह चुभती है। इतने मारू पण एज मानवू छे कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए। जिम्मेदारियां शादी से पहले भी इम्तिहान लेंगी और शादी के बाद भी, इसीलिए ये शादी तब होगी जब केसर पूरी तरह से तैयार होगी। बा, जब तक केसर अपनी नई पहचान नहीं बना पाएगी तब तक इसके अंदर की छटपटाहट इसे नए रिश्ते की पहचान में ढलने भी नहीं देगी। मैं तेरी माँ हूं और सास के रूप में ऐसी बहू कभी नहीं चाहूंगी जो तुम दोनों के नए रिश्ते के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित ना कर पाए। और एक माँ के रूप में मैं अपनी बेटी के सपनों की कुर्बानी भी नहीं होने दूंगी।